देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ये स्वाइन फ्लू है ही नहीं। इसको शुरू में माना गया था 2009 के आसपास कि ये सुअर से ये बीमारी आती है, लेकिन आज दुनिया भर में ये साबित हो चुका है कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये सामान्य फ्लू है और उसको सामान्य फ्लू के रूप में लेना चाहिए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि 0.4-0.5% तक ही ऐसे पेशेंट होते हैं फ्लू में कि जिनको टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। घबराने के कारण कई बार मीडिया के माध्यम से ऐसा वातावरण बन जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जो डेंगू से एक भी मौत सरकारी अस्पताल में नहीं हुई है, 6 मौत पूरे राज्य में हुई है, 4 देहरादून में हुई हैं, 2 हल्द्वानी में हुई है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन ऐसा बोकाल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया कि जैसे महामारी हो गई। तो थोड़ा मैं आप लोगों से ये भी सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए जरा ज़्यादा अच्छा वातावरण बना देते, निजी जो अस्पताल है उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण। कितना खर्च हुआ आप पूछिए किसी पेशेंट को, केवल भय के कारण। जो सरकारी अस्पताल में उसको 1500 रुपये में उपलब्ध हो गया, उसने 90,000 1,00,000 रुपये जो मैक्स में चला गया, उसने 2-2.5 लाख रुपये तक खर्च किया इस पर। कितना ज़्यादा उससे नुकसान होता है, मैं अनऑफिशियल बोल रहा हूँ आप लोगों से, कितना नुकसान होता है उससे आम पब्लिक को, लोग कितना घबरा जाते हैं जैसे कि बस अब गए, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने 2 दिन मैं अस्पताल में गया, मैंने पेशेंट से स्वयं बातचीत किया, एक भी पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो सिंपल दवाई है, पैरासीटामोल 500 की जगह 650 mg देना है, थोड़ा बढ़ गया तो 550 की जगह 650 देना है। बड़ा ऐसा नहीं है, ऐसे ही ये फ्लू है। सावधानियां हैं कि भाई बार बार हाथ धोइए, हाथ मत मिलाइए, अपने हाथ पर चेहरे पर मत मलिए, आप टेबल पे हाथ रखें तो उसके बाद धो लीजिए, आप मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए जो पेशेंट है। जो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चा पढ़ने वाला है तो बच्चा उसको स्कूल मत भेजिए, उसको रेस्ट दीजिए। इसलिए मैंने आज कहा है कि हर स्कूल में जा कर के प्रेयर के समय हमारे डॉक्टर्स जाएँ, जिलाधिकारी जाएँ, स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल में 5 मिनट उनको एक चिट्ठी भेजिए कि ये सावधानियां बरतनी हैं। 5 मिनट प्रेयर के समय, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होनी चाहिए, तो प्रेयर के समय जा करके और इसके लिए व्यापक स्तर पर अवेयरनेस करने के लिए वो कहा गया।